मेरा नाम हुआ नवीन कुमार उप शशि ठाकुर, मुखिया मानिकपुर रतन पंचायत सह भाजपा जिला अध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ। कामना करते हैं कि पीछे बीते हुए साल 2020 जो बहुत दुर्भाग्यवश बहुत खराब आम जनों के लिए और सभी लोगों के लिए, जो नेता है, जो आम लोग है, पब्लिक है, सभी लोगों के लिए बहुत खराब बीता। खराब इसलिए बीता कि कोरोना के माहौल था, कोरोना के माहौल में एक ऐसा समय आ गया था कि मतलब लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, लोग तराही माम कर रहे थे, लोग एक दूसरे से मिलना बंद कर दिए थे, ऐसा माहौल आ गया था। और हम कामना करते हैं कि 2021 बहुत अच्छा से गुजरे, लोग सद्भावना में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिले, एक दूसरे के साथ में प्रेम भाईचारा बना के रहे मिले, इसी कामना के साथ में कांटी प्रखंड सहित मुजफ्फरपुर जिला सहित मानिकपुर नौतन पंचायत वासियों को नव वर्ष 14 मकर संक्रांति 26 जनवरी के हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलमय हो। नया साल बहुत अच्छा से गुजरे, सब लोग भाईचारा के साथ में नया साल मनाए, इसी कामना के साथ में पूरे मानिकपुर नौतन पंचायत के लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और मानिकपुर नौतन पंचायत वासियों से आग्रह करते हैं कि प्रेम और भाईचारा के साथ में नए वर्ष मनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र वासियों को हम इस नूतन वर्ष की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आपके न्यूज के माध्यम से यह संपूर्ण देशवासियों को भी हम कहना चाहते हैं और खासकर मुजफ्फरपुर जिले वासियों को भी यह कहना चाहते हैं कि देश अभी विचित्र स्थिति के मोड़ पर आके खड़ा है। यहाँ पे आप किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आप एकजुटता के साथ इस दबते हुए आवाज़ को बुलंद करें और जो किसानों की जायज मांग है, जो नौजवानों की जायज मांग है, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की मांग, इस पर सरकार का बजाते मेनोफेस्टो था, इस मेनोफेस्टो पर काम नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। हमारे मुजफ्फरपुर में पता ही एयरपोर्ट है, कांटी में माँ छिन्नमस्तका मंदिर है, कोठिया मजार है, बौद्ध सर्किट का विकास है, ये इससे युवाओं का विकास होता, कांटी का विकास होता, जो नहीं हो रहा है। सरकार इस पर अनसुना कर रही है, सरकार वादा करके मुकर जा रही है। हम लोग इस पर विकराल आंदोलन करने की रूपरेखा बना चुके हैं, इसके खिलाफ हम लोग शंखनाद करेंगे नूतन वर्ष में। और ये इस कार्य योजना के साथ हम लोग आज इस 2020 की विदाई करके 2021 में हम लोग लंबी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। गोदाई फुलकाहा पंचायत के महान जनता को दिल से प्रणाम। आप सबको नया साल की शुभकामनाएं और खास करके कांटी प्रखंड के महान जनता को भी और ब्लॉक के पदाधिकारी, थाना के पदाधिकारी को दिल से शुभकामनाएं देता हूं। मैं सिकंदर राज फिर से आप सबको प्रणाम करता। कांटी विधानसभा क्षेत्र के ढेमा पंचायत के तमाम ग्रामीणों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई के साथ साथ कामना करते हैं कि नया साल अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से बिताए। देशवासी एवं बिहार प्रदेशवासी, कांटी विधानसभा के समस्त जनता जनार्दन को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। और मेरी यही कामना है कि आने वाला साल हम सबों के लिए मंगलमय और खुशियां लेकर आए। और मेरी एक ही अभी आग्रह गुजारिश है कि अभी कोरोना गया नहीं, अभी हम सबों को सतर्क और बचकर रहना है। और नव निर्वाचित कांटी के विधायक मोहम्मद इफ्राइल मंसूरी से मेरी आग्रह और विनती रहेगी कि जो कांटी विकास की राह से दूर हो गया है, उसे आप विकास की राह पर लाने की कोशिश करें। युवा राजद नेता उत्पल कुमार ठाकुर, आप सभी को युवा संघर्ष शक्ति के ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और जो बीती गए 2020 के कोरोना महामारी के कारण जो बहुत नुकसान हुआ है, बहुत परेशानी आई है, इस साल वो परेशानी ना आए और 2021 शुभकामनाएं रहे, इसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं सभी जनता जनार्दन को। मेरी शुभकामनाएं युवा संघर्ष शक्ति की ओर से।